आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल मैटर्स इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आज के वीडियो का विषय है दोस्तों। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग कोर्ट से मैटर आते रहते हैं, हाई कोर्ट से आते हैं, ट्रिब्यूनल से आते हैं, कंज्यूमर फोरम से आते हैं, NCALT से आते हैं, DRATC से आते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से मैटर आते हैं, सभी गंगाएं आके समंदर में मिलती हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ये काम रहता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल मैटर आते हैं, ये आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल जो एक्ट है वो एक्ट के 30 सेक्शन और 31 सेक्शन के अंतर्गत ही आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के मैटर का अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में होता है, लेकिन सेक्शन 30 और 31 के अनुसार होता है। पहले सुप्रीम कोर्ट में आने के पहले ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन देना है कि हमको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना है। अगर उसको ट्रिब्यूनल ने परमिशन दिया तो सुप्रीम कोर्ट में आप आ सकते हैं, नहीं दिया तो भी सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आने के पहले आपको ट्रिब्यूनल का लीव टू अपील, रिजेक्टेड और अप्रूव्ड, कोई तो भी एक चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। SLP का जो प्रोविजन है, जनरली आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल छोड़ के बाकी कोई भी मैटर का हाई कोर्ट डिनाई करती है, नीचे का कोई ट्रिब्यूनल डिनाई करता है, NCLT डिनाई करता है, अपील कुछ भी करते हैं, तो भी SLP के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में केस ला सकते हैं। लेकिन आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल के मैटर SLP में NAK आर्टिकल 136 के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं, इसलिए सेक्शन 30 और 31 के अनुसार ही आते हैं। और बस आने के बाद अगला जो प्रोसीजर है वैसा ही है, फाइलिंग करने के बाद डिफिट क्लियरिंग होता है, डिफिट क्लियरिंग होने के बाद फिर एडमिशन हियरिंग होता है, उसमें कुछ दम है केसेस में तो फिर केस एडमिट होता है, एडमिट होने के बाद सामने वाले को नोटिस जाता है, डिपार्टमेंट को नोटिस जाता है, नोटिस आने के बाद उनका फिर काउंटर आएगा, काउंटर को रिजॉइंडर आएगा, फिर आर्गूमेंट चलते हैं, फिर फाइनल डिसीजन होता है, ये होता है। और ये डिसीजन के बाद रिव्यू पिटीशन और रिव्यू के बाद क्यूरेटिव पिटीशन, ये दो रेमिडीज कुछ कंडीशंस में सुप्रीम कोर्ट में अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।